हाई गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो आज अभी मैं गाड़ी के सामने खड़ी हूँ और मेरी गाड़ी हो गई है फुल्ली लोडेड और दिवाली में आ गई है अपने पास तीन तीन वीकेंड। तो इस दिवाली में सोचा कि कुछ नया करेंगे। हर साल तो घर पे ही मनाते हैं लेकिन इस बार घर में कल मना लिया, मतलब एडवांस में, और पूजा वूजा हो गई, सब हो गई और अभी हम लोग निकल पड़े हैं न्यू डेस्टिनेशन की तरफ। और हम लोग साथ में तय करेंगे ये डेस्टिनेशन सफ़र जो है, और हम लोगों की इस बार की डेस्टिनेशन है गोकर्णा। सो लेट्स गो। सो गाइस, रेडी हो गई तो चले शुरू करें ट्रिप। Let's get started. सो गाइज, हर बार जर्नी जो है हम सिर्फ दोनों ही जाते हैं, और लेकिन इस बार हमारा दो दोस्त है जो हमारे साथ में ज्वाइन करने वाले हैं इस जर्नी में। तो फटक से जाते हैं, उन लोगों को पिकअप करते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। 3:30 बजे निकलना था और अभी 4:30 ऑलमोस्ट बजने को है। तो अभी हम लोग फटाफट चलते हैं और पिकअप करते हैं उन लोगों को, और आप लोगों को मैं मिलवाती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे पिकअप करने के लिए, और हम लोग नीचे अभी वेट कर रहे हैं कि कब तक वो लोग आएंगे नीचे। तो जैसे ही वो लोग आते हैं फिर फटाफट अपन गाड़ी से फिर से पैक करते हैं, फुल्ली लोड करते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट। हम लोग अभी कोल्हापुर में रुके ब्रेकफास्ट के लिए। अभी टाइम 10 हो रहा है, तो बीच में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी थकी हुई सी थी और कल बिल्कुल भी नहीं सोए। तो मैं काम जैसे ही बंद किया ऑफिस का काम और फटाफट से निकल आए, तो बिल्कुल भी नहीं सोया। तो बीच में मैं थोड़ा सा सो गई थी तो शूटिंग नहीं किया। तो अभी कोल्हापुर में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, और आज दिवाली है तो इसके लिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स जो रोड साइड ढाबा और रेस्टोरेंट्स हैं वो सब बंद है। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला मिला, तो ढाबा यहाँ पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे सर दर्द भी होने लगा है क्योंकि नींद नहीं हुई है पूरी तरीके से, और धूप भी काफ़ी निकल गया,
अभी हम लोगों को पहुंचने के लिए और 5-5.5 घंटा है, मतलब कुल मिला के टोटल 600 किलोमीटर्स है वो करना फ्रॉम पुणे, तो 5.5 घंटा और लगभग। लेकिन बीच में अगर हम लोग कहीं शूट के लिए, फ़ोटो शूट के लिए, वीडियो के लिए हम लोग निकले, अगर रुक गए तो थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। तो जैसे कि सुबह मैंने बताया था कि हम लोग पिकअप करने गए थे अपने फ्रेंड्स को, तो हम लोगों को पिकअप किया, मैं उन लोगों को बाद में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ क्योंकि सब लोग थके से, और हम सब लोग ऑफिस किए, फिर पैकअप किया, फिर निकल आए, तो उन लोगों से भी मैं मिलवाती हूँ धीरे धीरे आप लोगों से। फ़िलहाल हम लोग अभी यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं बीच बीच में दिखाती रहूँगी कैसा है। अभी फ़िलहाल जो है वो कम्प्लीटली मतलब यहाँ पे बहुत ईज़ हो गया है, लोग काफ़ी सारे व्हीकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप हाईवे की साइड से आप देखोगे बहुत सारे व्हीकल्स जा रहा है, और दिवाली की छुट्टी है, बहुत सारे व्हीकल्स आपको दिखेगा यहाँ पे। दिवाली की छुट्टी है तो मतलब वीकेंड का प्लान सब लोगों को होता है, तो वीकेंड पे सब लोग यहाँ पे निकले हैं। तो अभी हम लोग फटाफट से जर्नी स्टार्ट करेंगे और मैं बीच बीच में आपको अपडेट देती रहूँगी। सो गाइज़, घाट तो स्टार्ट हो गई, हम लोग काफ़ी टाइम तक आ गए, काफ़ी किलोमीटर्स हम लोगों ने चला लिया और अभी बीच में यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे एक गाड़ी है, मेरी गाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उनका टायर जो है वो फ्लैट हो गया, तो उनके पास जैक नहीं था, उसके लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं उनको हेल्प करने के लिए। उनके पास बहुत ही क्यूट सा डॉगी है। हाय गाइस, सो फाइनली हम लोग गोकर्ण पहुंच गए, इतना एफर्ट करके, इतना टायरिंग था, हेक्टिक था अपना जर्नी, लेकिन फाइनली सब कुछ ओवरकम करके हम लोग गोकर्ण पहुंचे और अभी सनसेट भी हो रही है एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू। और इतना अच्छा लग रहा है, गोवा जैसा इतना क्राउडेड नहीं है, इतना काम है, सीरीन है, बहुत सुकून है। सो अलाउ मी टू लेट यू शो दिस ब्यूटीफुल व्यू।